नमस्कार, शोभा देशमुख किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के व्रत के लिए मखाने की खीर कैसे बनाते ये बताने वाली हूँ। चलो तो फिर हम रेसिपी की ओर जाते हैं। मखाने के खीर को लगने वाला साहित्य: मखाने एक कटोरी, ड्राई फ्रूट्स आधा लीटर दूध फुल क्रीम आधी कटोरी, शक्कर और केसर और घी एक चमचा बड़ा, इतना ही हमको साहित्य चाहिए। चलो तो फिर हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। एक चम्मच घी डालेंगे खीर के लिए और ये मखाने इसमें डाल देंगे। ये मखाने को हमको अच्छे से भूनना है। जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक ही इसको हम भूनेंगे। और आधा लीटर दूध मैंने गैस पर गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि हमको इसमें गर्म ही दूध डालना है तो हम इसको क्रिस्पी कर लेते हैं। ये मखाने हमारे हल्के से गुलाबी हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं। इसमें हम है ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हमारे पैकेट में गए थे, इसलिए ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा भून लेते हैं और उसका भी स्वाद उसमें बहुत बढ़िया आता है। फिर जब नहीं भूनोगे तो खीर अच्छी नहीं बनेगी, हल्का सा भून लेना चाहिए। इसमें देखो हमने अच्छे से भून लिया ड्राई फ्रूट्स को भी। हमने गर्म किया हुआ दूध इसमें सब डाल देंगे। पर एक खीर को हम अच्छे से पकने देंगे आधा होने तक। शक्कर डाल देते हैं। एक खीर को हम अब बॉईल करेंगे और बाद में मिलते हैं। देखो हमारी खीर अब गाढ़ी हो गई। इस टाइम हम गैस बंद कर देते हैं। इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और एक केसर, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद में जो सुगंधित चीजें रहती है वो बाद में डालने का। अब इसको हम सर्विसिंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखो हमारी ये मखाने की खीर तैयार हो गई। इतनी गाढ़ी होना चाहिए वो, उसे बहुत बढ़िया लगती है और इसमें बहुत विटामिन है। तो ये व्रत के लिए, नवरात्रि के व्रत के लिए मैंने बनाई है, आप जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी डिश है। और देखो मैं इस पर गार्निशिंग कर रही हूँ, उसे बहुत ही वो टेम्पटिंग लगती है। और ये मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ही टेस्टी हेल्दी डिश मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।